बच्चों आप सभी का आप आज की कक्षा में स्वागत है। हम और आप वृक्षारोपण कहानी पर चर्चा कर रहे हैं। इस कहानी की जो रचयिता हैं विश्वनाथ भारद्वाज। इस कहानी के अंतर्गत कल की कक्षा में हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार वृक्ष जो हैं हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, हम वृक्षों को जो कब उपयोग करते हैं, वृक्ष पर्यावरण को किस प्रकार से सुधारते हैं, उस पर हम चर्चा किए थे। जैसे कि यहाँ पर बताया गया था कि विश्व के निर्माण के लिए जो वृक्ष जो है वृक्षों का बहुत ही योगदान है, और रक्षा के माध्यम से वृक्ष जो है पृथ्वी को यानी ज़मीन को रक्षा देते हैं, और मिट्टी के प्रधान रक्षक हैं। वृक्ष जो है मिट्टी के प्रधान रक्षक हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जैसे बारिश होती है तो ज़मीन की मिट्टी जो है निकलने लगती है, तो वृक्ष जो है उनको अपने जड़ों के माध्यम से जकड़ लेते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आंधियों के वेग को रोककर मिट्टी को उड़ने से बचाते हैं। वृक्ष जो है आंधियों के वेग को रोककर मिट्टी को उड़ने से बचाते हैं, और वृक्ष ही पर्वत रक्षण है। वृक्ष जो है पर्वत की रक्षा करते हैं इस प्रकार, और वातावरण को शुद्ध करते हैं। वृक्ष जो है वातावरण को शुद्ध करने के साथ साथ शीतल रखते हैं, और वृक्षों के माध्यम से ही हमें जड़ी बूटियां मिलती हैं, पशु पक्षियों को घास यानी उन्हें चारा मिलता है, और ईंधन और भवन निर्माण के लिए हमें लकड़ी भी मिलती है, और उसके साथ ही स्वादिष्ट एवं पौष्टिक फल की प्राप्ति होती है। वृक्षों के माध्यम से ही हमें स्वादिष्ट और पौष्टिक फलों की प्राप्ति होती है। उसके साथ ही वृक्ष जो है वायु प्रदूषण को दूर करती हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आजकल वायु प्रदूषण होता जा रहा है। अगर हम वृक्षारोपण करेंगे तो वृक्ष जो है वायु प्रदूषण को रोकते हैं। इस प्रकार हम कल की कक्षा में चर्चा किए थे। आज की कक्षा में हम देखेंगे कि ऐसी परोपकारी मानव के लिए अत्यंत कल्याणकारी वन संपदा को लगातार काटा जा रहा है, और वृक्ष लगाने की ओर किसी का ध्यान नहीं है, न व्यक्ति का, न समाज का, और न ही सरकार का। वृक्ष जो है हमारे लिए इतने परोपकारी है और हमारे लिए कल्याणकारी है, लेकिन मानव जो है उसको हर रोज दिन ब दिन वृक्षों को काटता जा रहा है, अपने जीवन में उपयोग करता जा रहा है, लेकिन वृक्ष लगाने के लिए किसी का भी ध्यान नहीं है। न कोई व्यक्ति का ध्यान है, न समाज का ध्यान है, और न ही सरकार का ध्यान है, और इसके दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं। वृक्ष काटने से क्या दुष्परिणाम हो रहे हैं, वो सारे दुष्परिणाम जो है हमें दिखाई दे रहे हैं। वह दुष्परिणाम इस प्रकार है कि मरुस्थल बढ़ते जा रहे हैं। वृक्ष काटने से मरुस्थल बढ़ते जा रहे हैं, भूमि का लगातार कटाव हो रहा है, और वर्षा की कमी से कई स्थानों पर सूखा पड़ रहा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज हम वृक्ष काट रहे हैं इसलिए वर्षा यानी बारिश नहीं हो रही है, इसलिए कई जगह सूखा पड़ रहा है, और कई भयंकर बाढ़ आ रही है एवं प्रदूषण बढ़ रहा है। बाढ़ आने के साथ साथ ही प्रदूषण भी बढ़ रही है। यह सारी जो समस्याएं जो है वृक्ष न होने से ये सारे समस्याओं का हम सामना कर सकते हैं, और आगे यदि वृक्षों का यह विनाश न रोका गया तो दूषित प्राणवायु ही मानव के नाश का कारण बन जाएगी। अगर ये विनाश अगर हम नहीं रोकेंगे तो दूषित प्राणवायु यानी जो वायु है वह दूषित बनकर मनुष्य का प्राण लेकर वह सारे मानव जीव को नाश कर देगा। इस विभीषिका से रक्षा पाने का एक ही उपाय है, मानव समय रहते सावधान हो जाए और उपयोगी वृक्षों को लगाए, उनका संरक्षण करें, और जंगल को फिर से वन संपदा संपन्न बना दें। अगर इन सारे समस्याओं को हमें रोकना होगा तो मनुष्य जो है मानव जो है सतर्क होकर सावधान होकर फिर से वृक्षों को लगाएं और जंगलों की रक्षा करें।
इस प्रकार अगर हम करेंगे तो वन संपदा जो है फिर से वह बाकी रहेगी। हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने होंगे, हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने होंगे, इसी से देश की सब प्रकार से समृद्धि होगी तथा हमें स्वच्छ एवं सुंदर प्राकृतिक वातावरण प्राप्त होगा। अगर हम वृक्ष लगा देंगे तो समृद्धि होगी, अनेक सारे देश की अनेक क्षेत्रों में समृद्धि होगी तथा हमें स्वच्छ एवं सुंदर प्राकृतिक वातावरण मिलेगा। अगर हमें स्वच्छ एवं सुंदर प्राकृतिक वातावरण हमें चाहिए तो हमें सबसे पहले वृक्षों को लगाना होगा, वातावरण को शुद्ध बनाना होगा, तब जाकर हम अच्छे से जी पाएंगे। वृक्षों को लगाना हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनिवार्य है। बच्चों, इस प्रकार हम इस वृक्षारोपण कहानी से यह समझ सकते हैं कि पेड़ ही हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेड़ ही सब कुछ है, हमें खाने के लिए धान देता है और फल फ्रूट्स भी देता है, हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन यानी प्राणवायु भी हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। इसलिए हम वृक्षों को लगाएं और पेड़ पौधों का संरक्षण करें।